हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हुनर हाथों पर में। देखिए फ्रेंड्स, आज हम ये वाले तोरण बनाएंगे। बहुत खूबसूरत तोरण है, बहुत आसान है और कुछ ही मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। कुछ मिनट यानी कि 20 से 25 मिनट में आप इस तोरण को बना सकते हैं। और इसमें हमने दो कलर की वूल ली है और कुछ मोती यूज़ किए हैं और कुछ पम पम बॉल्स यूज़ किए हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तोरण को बनाने के लिए सबसे पहले हम ये चैन ले लेंगे। चैन आप अपने दरवाजे के अकॉर्डिंग लीजिएगा, जितना भी चौड़ा आपका डोर है उसके अकॉर्डिंग नाप के आप चैन ले लीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, एक दो तीन चैन लेंगे और चौथे नंबर की चैन में हम डालेंगे। देखिए यहाँ पे, और एक यहाँ पे हम बना देंगे डबल क्रोशिया। यहाँ एक हुआ, फिर नेक्स्ट चैन में बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट चैन में तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चैन में चौथा डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट चैन में पांचवा डबल क्रोशिया। पांच डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब देखिए, एक दो तीन चार पांच चैन लेंगे और यहाँ से चार चैन स्किप करेंगे। एक दो तीन चार स्किप के पांचवे चैन में हम पांचवे चैन में एक सिंगल क्रोशिया दे देंगे इस तरीके से। फिर एक दो तीन चार पांच चैन लेंगे और फिर से हम पांचवे चैन में चार स्किप करेंगे। एक दो तीन चार और पाँचवें चैन में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर एक दो तीन चार पांच चैन, फिर पांचवी चैन में एक सिंगल क्रोशिया। एक दो तीन चार स्किप, पांचवें में एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से हम इस पूरी रो को बनाएंगे। पांच पांच चैन बना के पांचवी चैन में एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे और लास्ट में हम आएंगे तो यहाँ पे फिर से हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे लास्ट में हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से मैं ये रो को कंप्लीट करके फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं लास्ट में आ गई हूँ, लास्ट वाली चैन है। तो यहाँ पे पांच चैन बनाने के बाद नीचे से मैं चार स्किप करके पांचवें चैन में एक डबल क्रोशिया बनाऊँगे। अब ये लास्ट वाले हैं हमारे पाँच डबल क्रोशिया बनाने, तो पहला डबल क्रोशिया यहाँ बना दूँगी। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया, टोटल यहाँ पे हमें पांच डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तीन चार और ये लास्ट वाला पांच। तो पांच डबल क्रोशिया यहाँ हो गए। तीन चैन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और नेक्स्ट वाले में देखिए फिर से हमें हर डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। पांच डबल क्रोशिया के ऊपर हमें पांच डबल क्रोशिया ही बनाने हैं। दो सॉरी चार और ये पांच। देखिए पांच डबल क्रोशिया के ऊपर पांच डबल क्रोशिया हो गए। अब एक दो तीन चैन लेंगे और इस चैन के बीच में एक सिंगल क्रोशिया दे देंगे। फर्स्ट वाले की हमने ऐसे शुरुआत करनी है। हर बार जो हमें देखिए सेकंड रो जो हमारी बनेगी इसी तरीके से बनेगी। फर्स्ट रो में हम पांच चैन लेंगे, जो इसके बाद नेक्स्ट रो बनाएंगे उसमें हम पांच चैन लेके अटैच करेंगे और सेकंड रो जो बनाएंगे उसमें तीन चैन लेके अटैच करेंगे। अब फिर से पांच चैन लेंगे, एक दो तीन चार पांच। बाकी का हमारा
वर्क जो है सेम चलेगा, चैन के बीच में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक दो तीन चार पांच चैन नेक्स्ट वाले लूप में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक दो तीन चार पांच चैन फिर नेक्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें ये जो दो रो हमने बनाई है सेम यही दो रो हमारी रहेगी हर चैन, मतलब जब तक हमारा चढ़ाई पूरी नहीं होती तोरण की। तो इसी तरीके से मैं ये दो दो रो के पांच रो और बनाऊंगी, यानी कि एक सेट हमारा बन गया, पांच सेट इसमें और बना, चार सेट और बनाऊंगी तो ये हमारे तोरण की चढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। आप चाहे तो चार का भी बना सकते हैं, तीन का भी बना सकते हैं। तो मैं इसमें तीन देखती हूँ मैं अपनी चौड़ाई के अकॉर्डिंग कितना मैं पैटर्न बनाती हूँ, मगर ये दो दो की रो हमारी चल रिपीट होगी, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना जो चौड़ाई है तोरण की वो कंप्लीट करनी है। स्टार्टिंग में पांच डबल क्रोशिया और लास्ट में हमारे पास पांच डबल क्रोशिया रहेंगे। देखिए अब बीच के सभी चैनों में पाँच पाँच चैन लेंगे और लूप में एक सिंगल क्रोशिया, पांच चैन एक लूप में एक सिंगल क्रोशिया। और यहाँ पे जो हम वर्क स्टार्ट करेंगे जैसे हमने यहाँ स्टार्ट किया, अब इसी तरीके से हमारा लास्ट में भी होगा, तीन चैन के बाद उसमें पांच डबल क्रोशिया बनेंगे और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट रो बनेगी हमारी फर्स्ट रो की तरह बनेगी, पाँच चैन और एक सिंगल क्रोशिया, पाँच चैन एक सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरीके से मैं इस तोरण को पूरा कम्प्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये पट्टी मेरी बनके कंप्लीट हो गई है और इसके मैंने एट रो बना ली हैं, देखिए इस तरीके से बना है। अब इसमें हम मैं पिंक कलर का धागा ये यूज़ कर रही हूँ, रानी कलर का जो रहता है, आप अपनी पसंद से कोई भी कलर ले सकते हैं। देखिए इसका हमें बॉर्डर बनाना है तो ये दो तीन चैन लेकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया, ये पांच डबल क्रोशिया के ऊपर हम पांच डबल क्रोशिया बना लेंगे, चार और एक ये लास्ट वाले में पांच, पांच डबल क्रोशिया के ऊपर पांच डबल क्रोशिया बनाए। और इसके बाद ये जो चैन है इसके अंदर हम देखिए एक दो तीन चार और पांच, पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में पांच बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, नेक्स्ट वाले में फिर पांच बनाएंगे। हर चैन में हमें पांच पांच डबल क्रोशिया बनाने हैं, दो तीन चार और ये पांच। देखिए इसी तरीके से पूरे इसमें हम चारों तरफ इसके इस साइड भी एक कॉर्नर पे दोनों और इस साइड चारों तरफ हम इसके ऐसे पांच पांच डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये जो अभी आपको लग रहा है ऐसे सिमटा हुआ है, ये बाद में देखते रहिएगा बनते हुए, ये बाद में हमारा ऐसे खुल के आ जाएगा जब हम इसमें पूरा बना लेंगे इसको तोरण को, तब दिखेगा इसका लुक। ये सिंपल सी बहुत ही सुंदर तोरण है तो इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे, मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया चारों तरफ उसका बॉर्डर, देखिए अभी आप इसको देख के घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे ऐसे हमारा होता जाएगा, ऐसे खुल जाएगा। तो इसको मैंने क्या किया, पट्टी को ऐसे हाफ हाफ करके इसके बराबर से मैंने धागे बांध दिए हैं, देखिए यहाँ पे एक धागा बांध दिया है, यहाँ एक धागा बांध दिया है इस तरफ, तो
देखो ये हम मेरे पास नौ आ रहे हैं, तो इसमें ये नौ जो स्पेस है मेरे पास इसमें हमें काम करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये जो फर्स्ट धागा बांधा है इसके जस्ट बगल वाले से हमें काम करना है, ऐसा देना है कि यहाँ पे धागा ऐड कर देंगे, एक दो तीन चैन बना लेंगे। यहीं पे हमें पफ बनाना है, पफ थोड़ा लंबा बनाएंगे, तीन चार और ये पांच, पांच धागे का पफ बनाएंगे। आप चाहे तो चार का भी बना सकते हैं। एक पफ हो गया, एक दो चैन लेंगे, नेक्स्ट वाले स्पेस में आ जाएंगे, यहाँ पे भी हमें पफ बनाना है, दो तीन चार पाँच और ये लॉक कर दिए, दो चैन लेंगे। फिर इसके नेक्स्ट वाले में आएंगे, यहाँ पे भी पफ बनाएंगे। ये सभी स्टिच में जो भी स्पेस हमारे पास है सभी में हमें पफ बनाना है। दो चैन, फिर नेक्स्ट वाले में एक पफ, तीन चार पाँच, फिर दो चैन लेंगे, देखिए इस तरीके से। फिर इसके नेक्स्ट वाले में आएंगे, यहाँ पे पफ बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ टोटल मेरे नौ पफ बनेंगे। तो तीन चार पाँच, एक दो चैन का गैप, फिर नेक्स्ट में पांच धागों का पफ, तीन चार पाँच, एक दो चैन, फिर इसके नेक्स्ट वाले में पांच धागों का पफ, दो तीन चार पाँच, एक दो चैन और लास्ट वाले में भी एक पफ, एक दो तीन चार पाँच, इस तरीके से बने हमारे ये टोटल नौ पफ है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ पफ बन गए। अब स्लिप स्टिच से यहाँ सेंटर में आ जाएंगे और धागा खींच के यहाँ पे पफ बनाएंगे, तीन चार पाँच, फिर दो चैन, फिर यहाँ पे पफ बनाएंगे, दो तीन चार पाँच का पफ, एक दो चैन और फिर यहाँ पे भी पांच का पफ, दो तीन चार पांच का पफ, लॉक स्टिच और दो चैन, नेक्स्ट वाले में पांच का पफ। सब में हमें पफ के साथ ही काम करना है और हर रो में हमारे पास एक एक पफ कम होता जाएगा, एक दो, नेक्स्ट वाले में दो तीन चार पाँच, एक दो, देखिए इस तरीके से कम होता जा रहा है। ये बहुत ही आसान
तोरण है और कुछ ही घंटों में, घंटों नहीं कुछ ही मिनटों में इसको आप बना सकते हैं। एक बार आप बनाने बैठ जाएंगे तो आई थिंक 10 मिनट में आप इसको तैयार कर लेंगे, 10 से 15 मिनट में। लास्ट वाले में भी हमने बना लिया। अब हमारे, मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, पहले 9 थे अब 8 हो गए। अब यहाँ से हम धागा खींच लेंगे, और धागा नहीं खींचेंगे अभी, हम स्लिप स्टिच लेंगे पहले। देखिए वर्क को टर्न करेंगे और स्लिप स्टिच लेके सेंटर में आ जाएंगे। यहाँ पे पफ बनाना है हमें, तो धागा खींचेंगे यहाँ और पफ बनाना स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से हमें सभी में पफ बनाते जाना है, और हर बार एक एक पफ कम होता जाएगा, इसकी शेप आती जाएगी। देख रहे हैं आप कितना जल्दी बन रहा है, ये तो मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा धीरे हाथ चल रहा है, अदरवाइज बैक कैमरा ये बहुत जल्दी बन जाता। 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फिर नेक्स्ट वाला लास्ट का है ये। अब यहाँ पे हमारे पास 6 पफ बनेंगे, मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, पहले हमने 9 बनाए थे, यहाँ 8 बनाए, यहाँ 6 बनेगा। अब नेक्स्ट वाली रो में हमारे पास 6 बनेंगे, 9 8 7, अब 6 बनाएंगे। हर बार में हमारे पास एक घटेगा, स्लिप स्टिच लेके यहाँ सेंटर में आ गए हैं और धागा खींच के यहाँ पे पफ बनाएंगे। 2 3 4 5 एक दो चैन, एक दो तीन चार पाँच, एक दो चैन, फिर नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 चैन, एक दो चैन, एक दो 5 का एक पफ, 2 चैन ले लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में जाएंगे। इसी तरीके से हमें करते जाना है, बहुत सिंपल है। और इसके बाद हम मोतियों का वर्क करेंगे, इसमें मोती का या फिर पफ का, सॉरी पम पम का, जो आपको अच्छे लगे इसमें लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या लगाती हूँ।
हमारे पास 6 पफ हो गए। फिर वर्क को टर्न करेंगे, सेंटर में आएंगे, स्लिप स्टिच लेते हुए और फिर यहाँ धागा खींच के एक पफ बनाएंगे। 2, 3, 4, 5 2 6 1 2 3 4 5 का पफ, 2 चैन, फिर 5 का पफ, 1 2 3 4 5 1 2 6 1 2 3 4 5 का पफ, फिर से 2 चैन, 1 2 3 4 5 वर्क को टर्न करेंगे, स्लिप स्टिच लेके सेंटर में आएंगे, फिर यहाँ पे पफ बनाएंगे, 3 4 5 1 2 चैन, फिर नेक्स्ट वाले में 5 का पफ, 2 3 4 5 फिर स्लिप स्टिच लेके सेंटर में आएंगे और यहाँ पे फिर धागा खींच के पफ बनाएंगे, 2 3 4 5 1 2 3 4 5 का पफ, 1 2 फिर नेक्स्ट वाले में 5 का पफ, 2 3 4 5 फिर स्लिप स्टिच लेके सेंटर में आ जाएंगे और यहाँ पे फिर धागा खींच के एक पफ बनाएंगे, 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 अगर आपका हाथ जल्दी चलता है तो इसको और भी जल्दी आप बना सकते हैं। घर में अगर फंक्शन है, कुछ है प्रोग्राम और आपके पास तोरण नहीं है कोई भी, तो इसे तुरंत बना के आप लगा सकते हैं। इतनी जल्दी बनने वाला तोरण है। ये देखिए अब ये हमारा लास्ट हो गया। यहाँ पे हम नॉट लगा के धागे को कट कर देंगे। देखिए मैं कर ही देती हूँ। इस तरीके से हमारा बन के तैयार हुआ है। ऐसे ही हम अब यहाँ के 9 स्टिच उठाएंगे, यहाँ पे 9 बनाएंगे, फिर इधर 9 बनाएंगे, फिर इधर 9 कर लेंगे। इसी तरीके से ही हमने डिवाइड किया है। आपकी पट्टी अगर बड़ी है उसमें 10, 11, 12 जितने भी आ रहे हैं आप उसी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और ये मैं 4 पैटर्न बना रही हूँ ऐसे। अगर आपकी पट्टी ज़्यादा बड़ी है तो आप इसमें 5 पैटर्न भी बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं। आपको अपने स्टिच के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करना है और फिर पैटर्न बनाना स्टार्ट करना है। तो इसी तरीके से मैं बाकी का भी पैटर्न बना के फिर आपको लास्ट में दिखाती मैंने इसको कैसे डेकोरेट किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बन के कम्प्लीट हो गया है और इसमें मैंने बीच में मोतियाँ लगा दी हैं। ये देखिए मोती की लड़ी बना के इसमें लगा दी है। 4-5 लाइन मैंने इसकी मोतियों की लगाई है और हर लाइन में 4-4 मोती एक्स्ट्रा करती हुई हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप भी इसको ज़रूर बनाएं। बहुत सुंदर तोरण है और बहुत आसानी से बनने वाली तोरण है। तो चलिए इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए नमस्कार।